हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ई पार्ट। ए बी सी डी मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दिए थे। ई वाला देखेंगे हम। 8 × 5 + 32 / 4 − 48। अगेन वी अप्लाई डी एम ए एस रूल। पहले डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्ट। अब आपको देखेंगे 8 मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, डिवाइड। तो फर्स्ट वी डिवाइड 32 / 4। दिस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। 32 / 4 किया तो हमने क्या, 8 × 4 सेम एज लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब हमने इसको जब सॉल्व किया तो 4 × 8 = 32, तो हमारा आंसर यहाँ पे हमने 8 लिखा, −8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई गिवन है, 8 × 5 = 40। अब हमें क्या करना है, एडिशन करना है अभी, अब है ना। तो हम क्या करेंगे, 40 में हम किसको प्लस करेंगे, 8 को, माइनस सेम एज 8। 40 + 8 किया तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 48। 48 में से जब हमने 8 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर क्या आया, 40। ठीक है, पहले हमने डिवाइड किया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया तो 40 आया, देन एडिशन किया 40 + 8, देन सब्ट्रैक्ट, सबसे आखिरी में हमें सब्ट्रैक्ट करना है, हमारा आंसर क्या आ गया, 40। एफ वाला, 12 × 4 + 36 / 4 − 37। अब आपको अगेन डीएमएस रूल अप्लाई करेंगे हम, डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्ट। पहले हमें 36 / 4 करना है, डिवाइड करेंगे हम। जब 4 को हमने 36 को डिवाइड किया 4 से, तो हमें हमारा आंसर क्या मिला, 4 × 9 = 36। ठीक है, सेम हमने 12 × 4 लिखा, प्लस लिखा, हमने सिर्फ ये इक्वेशन सॉल्व करी है अभी डिवाइड वाली। तो 4 × 9 = 36 लिख दिया, माइनस सेम एज 37। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब हमें 12 × 4 करना है, तो कितना होता है, 12 × 4 = 48 + 9 − 37 लिखा। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, एडिशन। 48 + 9 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 57। लास्ट में हमें क्या करना है, क्या बचा, 37 माइनस करना है। 57 में से −37 कित किया तो हमारा आंसर क्या आया, 2020। नाउ जी एच आई इज योर होमवर्क। ये तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, अब है आपका जे वाला, देखेंगे आपको, देखेंगे ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ। अब अभी फ्रैक्शन वाले कैसे सॉल्व करेंगे, 3 × 1/2 + 2 × 2/7 + 14/6 मल्टीप्लाई 2 × 1/2 / 2। अब हमें इनको, पहले ये इम्प्रॉपर है, इनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। मीन्स 2 × 3 = 6 + 1 = 7। 7/2 हमने इसको इम्प्रॉपर में कर दिया। पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन इनको प्लस करेंगे। 7/2 प्लस, अब 7 × 2 = 14, 14 में 2 प्लस करा 16, 16/7 मल्टीप्लाई 14/6, ऐसे का सेम एज आएगा, मल्टीप्लाई 2 × 2 = 4, 4 + 1 = 5, 5/2 / 2। अभी हमारे सारे इम्प्रॉपर में, प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गए। 7 + 2 प्लस, अब हमें कट मेथड करेंगे, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14 कट किया हमने। ठीक है, 16 × 1 = 16 कट किया, 16 × 1 = 16 कट किया, 5/2, 2 से हमने 2 को कट किया, मल्टीप्लाई 1/2। देन क्या क्या बचा हमारे पास, 7/2 प्लस 5/2 इक्वल टू कितना हो गया, 7 + 5 = 12, 2 = 2। अब 2 × 1 = 2 कट किया एंड 2 × 6 = 12, तो हमारा आंसर क्या आया, 6। ओके, के वाला देखेंगे, 18 − 12 / 4 + 4 × 4। अगेन अप्लाई डीएमएस रूल। पहले हमें क्या करना है, डिवाइड, मींस 12 / 4, तो हमने किया तो हमारा क्या आया, 4 × 3 = 12। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, 18 - 3 + 4 = 16।
हमने जब किया हमारा आंसर 4 4 16। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है, मतलब 3 + 16 कितना होता है 19, लेकिन हमें क्या करना है, प्लस करना है ना, 18 + 16 करेंगे, माइनस है अभी हमें पहले एडिशन करना है। 18 + 16 किया हमारा तो रिजल्ट क्या आया, 34। अब हाँ क्या बचा हमें एंड में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो 34 - 3 कितना हो गया, 31। नाउ एल एम एन इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको DMS रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे साइन पुट आउट करने हैं। ए वाला 3 × 4, अब 2 = 10। यहाँ पे क्या किया गया है, जो हमारा आंसर 10 आया है, तो 3 × 4 = 12 होता है, 12 में जब हम -2 करेंगे तो हमारा आंसर 10 आएगा, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन पुट आउट करेंगे। सिक्स बी वाला 6 / 3 ब्लॉक में +6। अब हम यहाँ पे 6 में जब 3 डिवाइड करेंगे तो 3 × 2 = 6, ठीक है। अब 2 में जब हम 6 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 8 आएगा, तो मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। सेम एज सी 21 3 + 11 = 18, ठीक है। यहाँ पे जब हम 21 में 3 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 24। 24 में जब हमने 11 प्लस किया तो हमारा आंसर क्या आया, सॉरी 21 में डिवाइड जब हम 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 7 = 21, 7 आंसर आया। 7 में जब हमने प्लस 11 करा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 18। इट मीन्स यहाँ पे डिवाइड का साइन आएगा। सेम एज डी 63 में -3 × 21। 63 को जब हमने 3 से माइनस किया हमारा आंसर क्या आया, पहले हमें DMS के अकॉर्डिंग करना है, पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, 21 × 3 = 63, देन हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। 63 में जब हमने 63 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर 0 आया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन। सेम एज ई 27 3 - 8 = 1। अब हमें क्या करना है, पहले डिवाइड 27 में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 = 27, अब हमें सब्ट्रैक्ट 9 - 8 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1, तो यहाँ पे हम डिवाइड का साइन लगाएंगे। F 36 - 15 = 6, जब हम यहाँ पे 15 × 2 करेंगे, 15 × 2 कितना होता है, 15 × 2 = 30 होता है, 36 - जब हम 30 करेंगे तो हमारा आंसर 6 आएगा। ओके, नाउ दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट, डू इन योर मैथ्स फेयर कॉपी। हरे कृष्णा, हैव अ ग्रेट डे।